स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, शॉपिफाई और ड्रॉप शिपिंग की इस सीरीज में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और इसको प्रैक्टिकल कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पेमेंट गेटवे के बिना ये जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है, ड्रॉप शिपिंग मॉडल है या ऑनलाइन बिजनेस है, वो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं होता। तो कौन कौन से अलग अलग तरीके की कंपनीज हैं, पेमेंट गेटवेज फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, वो हमने आपको इस वीडियो में बताया है। हमने एक स्ट्राइप पेमेंट गेटवे कंपनी का एग्जांपल लेके प्रैक्टिकल क्या रिक्वायरमेंट है और वो पेमेंट गेटवे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप उसको कैसे एक्टिव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो दोस्तों, पेमेंट गेटवे तो आपकी चॉइस है कि आप कौन सी कंपनी का पेमेंट गेटवे लेना चाहते हैं, चूज़ करते हैं, बिकॉज हर कंपनी की अपनी कंडीशंस होती हैं, अपनी ट्रांजेक्शन फीस होती है। और आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जिस भी कंपनी का आप पेमेंट गेटवे ले तो वो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI और अदर रिसोर्सेज जो होते हैं, जो उसके अपने ऑप्शंस होते हैं, वो प्रोवाइड करें। बिकॉज बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड से प्रेफर करते हैं पेमेंट करना, कोई डेबिट कार्ड से, कोई UPI से, कोई नेट बैंकिंग से, कोई किसी और चीज़ से। तो इसलिए जितने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे पेमेंट लेने के आपके पेमेंट गेटवे में, उतना ही बेहतर है आपके और आपके कस्टमर्स के लिए। तो दोस्तों, इसलिए हम स्ट्राइप का एग्जांपल ले रहे हैं और प्रॉपर आपको सेटअप करके दिखाएंगे पेमेंट गेटवे, बाकी आप सेम प्रोसेस किसी भी पेमेंट गेटवे में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो, तो ऑलरेडी हमारे चैनल पे 650 फ्री वीडियोस हैं, लेटेस्ट वीडियोस हैं, जिसके थ्रू आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। और इस साल 2021 में हम लगभग 1000 वीडियोस और 30-35 नई सीरीज ला रहे हैं, ताकि आप लोग इनडेप्थ प्रैक्टिकल सीखें बिना पैसा दिए। तो दोस्तों, कुछ भी मिस ना हो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में Shopify की बेसिक सेटिंग्स जानी थी, तो अब हम पेमेंट सेटिंग्स और अब पेमेंट गेटवे अप्रूवल के लिए हम सब चीज़ें सेटअप करेंगे, ताकि हम अपना पेमेंट गेटवे अप्लाई कर पाएँ और पेमेंट गेटवे को अप्रूव करा पाएँ और फिर उसको हम पेमेंट्स मंगवा पाएँ अपने Shopify जब हम ई कॉमर्स सेलिंग करेंगे। तो दोस्तों, पहले हम जानते हैं कुछ फेमस पेमेंट गेटवे कंपनीज के बारे में। जैसे आजकल स्ट्राइप बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत लोग यूज़ करते हैं, इजी टू सेटअप है, तो एक ये कंपनी है। रेजर पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है, यहाँ पर इंस्टामोजो है, पेयू मनी है, और उसके साथ साथ CC एवेन्यू है, ये भी काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो दोस्तों, हम आज Stripe.com का, इस पेमेंट गेटवे कंपनी का यूज़ करेंगे, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप पेमेंट गेटवे अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या उसके लिए आपके को रिक्वायर्ड होता है, सारा हम आपको करके बताएंगे और प्रॉपर अप्लाई करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, कुछ ज़रूरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो है जैसे कि ईमेल आईडी, आपकी वेबसाइट का लिंक, ठीक है, आपका GST डिटेल, आपका एड्रेस, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स और फ़ोन नंबर। तो ये चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं अगर आप पेमेंट गेटवे अप्लाई करना चाहते हो, तो सब पहले से आपके पास होनी चाहिए। अब दोस्तों, हम अपने पेमेंट गेटवे पे आते हैं। तो अब हमें स्टार्ट करना है, तो इधर हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर आपका अकाउंट होता तो आप डायरेक्ट डाल देते, नहीं है तो यहाँ पर, सॉरी, अगर आपका अकाउंट होता तो आपको साइन इन करना था, बट अब तो हमें अकाउंट क्रिएट करना है, बिकॉज हमारा अकाउंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर अपना मेल आईडी डालिए, जिस मेल आईडी से आप अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी मेल आईडी डाल दी जिससे अकाउंट क्रिएट करना है, अपना नाम डाल दिया, अपनी कंट्री डाल दी। अब यहाँ पर मैं अपना एक पासवर्ड जनरेट कर लूँगा, सजेस्टेड पासवर्ड ये है, आपको ये यूज़ करना है तो कर लो, कॉपी करके रख लेना, नहीं तो आप अपना कोई पासवर्ड
यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये इसको अभी तो हम आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं, बाकी इसको और स्ट्रॉन्गर, जितना आप स्ट्रॉन्ग अपना पासवर्ड रखोगे उतना अच्छा है। क्रिएट अकाउंट पे हम इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये प्रोसेस हमारे अकाउंट क्रिएशन का हमने पहला स्टेप स्टार्ट कर दिया है। नाउ एज यू कैन सी हियर, वेलकम टू स्ट्राइप इंडिया। तो एक्टिवेटिंग योर स्ट्राइप इंडिया बीटा इनवाइट, गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप इसको सेव करना चाहें सेव कर लें, नहीं सेव करना आप इसको हटा सकते हो। और अभी के लिए इसको हम यहाँ पर बंद करते हैं और सीधा हम आ जाएंगे हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। स्ट्राइप का डैशबोर्ड आ गया, हम अपने बैकएंड के अंदर आ गए। अब यहाँ पर हमें दोस्तों कई चीज़ों को फॉलो करना है, लाइक वेरीफाई करना है अपनी ईमेल आईडी को। तो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है, अब मैं अपनी मेल आईडी पे जाऊँगा। यहाँ पर देखिए मेल आ रखी है स्ट्राइप से, तो मेरे को अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो हमारी जो ईमेल आईडी है वेरीफाई हो जाएगी, और वेरीफाई होते ही ये हमें डैशबोर्ड में ले आएगा। तो ये हमारा देखिए क्लियर हो गया है कि हमारी ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, एक्टिवेट योर अकाउंट पे यहाँ पर क्लिक करना है। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम अपना रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस इंडिया है, यहाँ पर हम अपना एड्रेस डालेंगे। तो जैसे कि हमने अपना एड्रेस पहले से रख लिया था, हमें क्या डालना है, और कंपनी आपको बतानी पड़ेगी, आपकी कंपनी सोल प्रोप्राइटर कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या कंपनी। ठीक है, तो हमारी जो है सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसलिए हम ये डालेंगे। नेक्स्ट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अब आगे प्रोसीड करेगा ये फर्दर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लीगल नेम ऑफ पर्सन, तो प्रोप्राइटर मैं ही हूँ तो मैं ही डालूंगा, आप हो आप डालिए, आपका कोई ब्रदर या फैमिली मेम्बर फ्रेंड है उसका डालिए। डेट ऑफ बर्थ आप डाल, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप वो डालिए। मंथ है, फिर ठीक दोस्तों ये हमने डाला, बाकी हमारी डिटेल एड्रेस आ गया है नीचे। यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, बिकॉज आप इंडिया में हो तो अपना आप पैन नंबर डालेंगे। पैन नंबर डालने के बाद दोस्तों नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर हमें बिजनेस डिटेल्स डालनी है, तो कंपनी का नाम डालेंगे यहाँ पर हम, ये हमने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया है। और यहाँ पर हम अपना बिजनेस पैन और या जीएसटी, तो जो पैन है, पैन नंबर तो दोस्तों प्रोप्राइटर कंपनी है तो जो इंडिविजुअल होता है वही पैन नंबर होता है, कोई अलग नहीं होता प्रोप्राइटर कंपनी का। जीएसटी डिटेल हम अपनी डाल देते हैं, बिकॉज हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर भी है, तो वो हम अपना नंबर कॉपी करेंगे। अगर अभी आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो इन्होंने ये अभी देख सकता, इन्होंने इसको ऑप्शनल दे रखा है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए ऑप्शनल, बट नहीं है तो अभी आप वैसे भी प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आप इसको यहाँ से अभी हम रिमूव कर देते हैं, इधर कोई अभी टैन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको ऑप्शनल है तो डाल दीजिएगा। ठीक है, टीडीएस के लिए होता है। इंडस्ट्री आप अपनी चूज कर लीजिएगा। तो अब जैसे कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो हम देख लेते हैं किससे रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हम बना रहे हैं तो हम प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, क्लोथिंग एंड हम रिटेल का यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। रिटेल के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो हमने चूज कर लिया अभी के लिए। अब यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट डालिएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना वेबसाइट डाला, और यहाँ वेबसाइट डालने के बाद दोस्तों इधर अगर बाय चांस आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप मीनवाइल के लिए अपना कोई ऐप स्टोर लिंक या अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल डालना चाहें वो डाल सकते हो। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस आप अपना कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हो, लाइक
हमने यहाँ पर टी शर्ट डाल दिया, ठीक है, या हमने मतलब मेंस क्लोथिंग डाल दिया या ग्लासेस डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस डाल दीजिएगा और इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, फर्दर आगे प्रोसीड करेगा एक्सपोर्ट्स रिलेटेड इन्फो, तो इसको हम नेक्स्ट कर देंगे अभी। तो अभी आउटसाइड इंडिया के लिए हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए कस्टमर स्टेटमेंट ऑप्शन, तो यहाँ पर हमारा वेबसाइट आ गया। यहाँ पर हमें शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टर यहाँ पर हमें देना है, और यहाँ पर हमें क्या क्या दे सकते हैं, देखिए साथ में हमें थोड़ा बहुत गाइड भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टर का मतलब है कि यहाँ पर जब कस्टमर पेमेंट वगैरह कर रहा है तो क्या डिस्क्रिप्शन जाएगा, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं लाइक अभी के लिए मेंस क्लोथिंग, ठीक है, ये हमने डाल दिया है, या मेंस वियर कर देते हैं। और यहाँ पर इसके नीचे एक जो सपोर्ट में आपको नंबर देना है वो वाला आप नंबर डाल सकते हो, ठीक है। ये हमने नंबर डाला और इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर फर्दर मूव, आप यहाँ पर देखिए एक एक करके हम सारे स्टेप्स को फिल करते जा रहे हैं, फॉलो करते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी बैंक डिटेल्स डालेंगे दोस्तों, तो बैंक डिटेल्स हम अपना हमने रख रखा है, तो इनको बैंक डिटेल्स को हम कॉपी करेंगे। अकाउंट होल्डर नेम हितेश गुप्ता ही रहेगा, बिकॉज हमने हितेश गुप्ता का ही पहले सेलेक्ट करा था प्रोपरेटर, तो इसलिए वो हितेश गुप्ता ही रहेगा, ठीक है। बाकी अगर वहां पर आप अपनी कंपनी का प्रोपरेटर का नाम डालते तो यहां पर नाम आ जाता, ठीक है। तो यहां पर हम बैंक डिटेल्स डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर कॉपी करी बैंक डिटेल्स, कॉपी, यहाँ पर जाकर मैं अपना आईएफएससी कोड डालूंगा, फिर यहाँ पर मैं अपना अकाउंट नंबर डालूंगा, अकाउंट नंबर में पेस्ट करा, फिर दोबारा हम अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। आप अपनी अकाउंट डिटेल्स डालने के बाद अब यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एसएमएस करना है, क्या करना है, अभी स्किप करना चाहो अभी के लिए तो कर सकते हो, बट आप पहले वेरीफाई कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, कंफर्म कीजिए फोन नंबर, अब कोड आएगा, वो कोड हमें डालना होगा, जो भी आपके नंबर पे कोड आएगा, जो भी आप नंबर देंगे, तो कोड है 948474। तो ये हमने यहाँ पर कोड दे दिया, देखिए सक्सेसफुली एनेबल्ड, और ये यहाँ पर आके सेव दिस इमरजेंसी बैकअप कोड, तो प्लीज़ इसको आप सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। इसको जैसे हमने भी कॉपी करा और हम अपनी शीट में रख लेते हैं फ्यूचर के लिए सेव करके इसको, ठीक है। ऐसे आप भी प्लीज़ चीज़ों को सेव कर लें, कोड सेव कर लिया हमने, करने के बाद डन करेंगे, तो यहाँ पर ही हमने करा, अभी हमें कुछ नहीं करना है इधर, अभी हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखिए लेट्स रिव्यू दोज डिटेल्स, यहाँ पर सारी हमने जो अभी तक डिटेल डाली हैं वो सारी की सारी आ गई हैं, पहली बैंक डिटेल, ऑथेंटिकेशन एनेबल्ड हो गई। अब जैसे मैं इस डिटेल को सबमिट करूँगा, सबमिट करने के बाद एज यू कैन सी कि मैंने अपनी सारी डिटेल्स को पढ़ने रिव्यू करने के बाद ओके कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए गेट स्टार्टेड विद स्ट्राइप इस तरह सारा आ गया है, यहाँ पर भी मेरा डैशबोर्ड है, ठीक है। तो जब हमारे इसमें पेमेंट आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास सारा डाटा आने लगेगा, कितना वॉल्यूम आ रहा है, बैलेंस क्या है, पे आउट्स क्या है, डेली क्या है, सारा का सारा इस तरीके से आता है, ठीक है। तो ये है प्रोसेस, आप भी इसको फॉलो कीजिए
और फिर इनसे इंस्टेंट नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ये एक्टिव हो गया। अब इसकी कंफर्मेशन देखिए मेल पे आएगी, मैं मेल आईडी पे जाता हूँ। यहाँ पर देखिए आ रखा है हमारा टू वे ऑथेंटिकेशन भी सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं, देखिए थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, यू आर नाउ रेडी टू मेक लाइव ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा बड़ा इंस्टेंटली एक्टिव हो गया है। अगर व्यू योर स्ट्राइप करेंगे डैशबोर्ड तो वापस उसी डैशबोर्ड में लेके जाएगा यहाँ पर हमने अपनी सारी सेटिंग्स करी थी। ठीक है, तो एज नाउ यू कैन सी हमारा डैशबोर्ड आ गया। अब दोस्तों जब हमारे पास पेमेंट्स आ जाती हैं तब हम आपको बताते हैं यहाँ पर। आप जैसे कि इधर देखिए, एक आपको हमारा ऑलरेडी एक्टिव अकाउंट रेजर पे का दिखाता हूँ। तो जब अकाउंट एक्टिव हो जाता है तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर सब एक्टिव आ जाता है, पेमेंट्स आने लगती हैं, ट्रांजेक्शन्स दिखाने लगता है कब कौन सी ट्रांजेक्शन नहीं। ठीक है, कंप्लीट ट्रांजेक्शन्स में जाना है तो वो आपको दिखाने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका भी अकाउंट यहाँ पर हमने दिखाया है। प्रॉपर ये स्टेप्स हैं, फॉलो कीजिए, आज ही अपना पेमेंट गेटवे स्टार्ट कीजिए। और फिर आप चाहे क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, यूपीआई हो, वॉलेट हो, नेट बैंकिंग हो, कैसे भी आप पेमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी ड्रॉप शिपिंग शॉपिफाई की सीरीज पसंद आ रही होगी। थैंक यू। तो दोस्तों आज हमने जाना पेमेंट गेटवे कैसे हम सेटअप कर सकते हैं, कैसे उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक करें, लोगों तक शेयर करें। और दोस्तों अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी एजेंसी से लेना चाहते हैं या आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेरे से डायरेक्ट सीखना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो, या फिर आप हमारे नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।